अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट एंड फार साइट। आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हूँ और वो है द फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। ये लफ्ज़ हमने पहली बार ISPR की ज़ुबान से सुना जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने और उनकी तारीफ़ो तोसी के कसीदे पढ़े जाने लगे, तो उनका सबसे बड़ा कारनामा द फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के ऊपर लिखी हुई उनकी किताब थी। हमें यह बावर करवाया गया कि आगे की जो मॉडर्न जंगें हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी बल्कि इस फार्मूले के तहत लड़ी जाएंगी जिसमें जनरल बाजवा ने PhD की हुई है। उन्होंने एक किताब भी लिखी और उस किताब का भी बरमला इजहार किया गया और उसे बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बिलखसूस ISPR की तरफ से। तो ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है क्या? बेसिकली अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसका मकसद बिना हथियारों के, कन्वेंशनल हथियारों के, तोप, राइफल, बॉम्ब इस्तेमाल किए बिना मुल्कों को फतह करना और नॉन स्टेट एक्टर को यूज़ करके अपने मकासद हासिल करना। अब नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। बहुत से लोग कुछ जहादी ग्रुपों, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ साइबर अटैक को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करते हैं, अवाम में अफरा तफरी फैला देना, इंफॉर्मेशन के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए प्रोपोगंडा करना, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करना और अपने मकासद हासिल करना, ये इसके मेन जुजू है। और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे उनकी इकॉनमी को हिट करना थ्रू सोशल मीडिया, और इनके ज़रिए आप बिना एक गोली चलाए बहुत से मुल्कों में तब्दीली ला सकते हैं। नॉर्मली अमेरिका में हर 25 साल के बाद थिंक टैंक बैठते हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पास होता है जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा पेश किया जाता है कि अगले 25 सालों में इन मुल्कों में क्या होगा, कैसे होगा और क्या हम अचीव करना चाहते हैं। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर को दचका 2010 में लगा जब पूरी दुनिया की काया ही पलट गई, और ये हुआ अरब स्प्रिंग की बारी जब ट्यूनस के मोहम्मद बौजीजी ने, जो कि एक गली में सब्जी बेचने वाला रेड़ी बांध था, उसने अपने आप को आग लगा के खुदकशी कर ली। उसकी वीडियो बना के जब सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड की गई और वायरल की गई तो उसके बाद एक तूफान उठा जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, और दो साल, तकरीबन तीन साल उस तूफान में बड़ी बड़ी हुकूमतें तबाह हो गई, मलियामेट हो गई, 40-40 साल की हुकूमतें दरियाबुर्द हो गई। वो बेसिकली था क्या? और उसने बहुत से लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि असल ताकत तो सोशल मीडिया की है जिससे अवाम को किसी भी एक नुक्ते के ऊपर मुतखिद किया जा सकता है और उन्हें शायद प्रोपोगंडा की ताकत से गुमराह किया जा सकता है। लेकिन इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, और सबसे ज़्यादा ताल्लुक इसका जनरल बाजवा और इमरान खान साहब से है। सिलसिला कुछ यूं है कि इस अरब स्प्रिंग वार की टाइम पे ISPR को और हमारी जो आर्मी के अदारा है उसको इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अवाम को अगर आपने अपने साथ मिलाना है अपने मकासद को अचीव करने के लिए, तो अब मुतालिया पाकिस्तान से हल नहीं होगा मसला, क्योंकि हम मुतालिया पाकिस्तान से पढ़े हुए बच्चे हैं और जो कुछ उन्होंने कहा हमने सुम्मुम बुकमिन उसे एक्सेप्ट कर लिया। आज के जदीद दौर में जहाँ टच से पूरी दुनिया आपकी उंगलियों पर नाचती है, वहाँ पर मुतालिया पाकिस्तान आपको मदद नहीं कर सकता। ऐसे में फिफ्थ जनरेशन वार का सहारा लिया गया, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के मरूजी हालात को देखते हुए, और उन्हीं अवामल को अपने साथ मिला के इमरान खान साहब को एक हीरो, एक मसीहा के तौर पे पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया गया। ये तजर्बा उस वक्त तो बहुत अच्छा था और इस चला भी और बड़ा कारगर साबित हुआ। 2011 में इमरान खान साहब का जो जलसा था उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसा महसूस होने लगा कि अब इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता। अब इस सारे 7-8 साल के अरसे में ISPR ने मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर को, सहाफ़ियों को, यूट्यूबरों को
स्कॉलरशिप के ऊपर आई एस पी आर में ट्रेनिंग दी, और वो ट्रेनिंग थी प्रोपोगंडा की, वो ट्रेनिंग थी लोगों को गुमराह करने की थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, ट्विटर, जो भी जराए सोशल मीडिया के थे उनको इस्तेमाल करके लोगों को ये बावर करवाना कि कौवा सफ़ेद होता है, काला नहीं होता। और अवाम जो अपने मुआशी मामलात में इतनी उलझी हुई थी, बेरोज़गारी, गैर यकीनी सूरत हाल, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, कत्ल व गारत गरी और बहुत से ऐसे अवामल थे जिनकी वजह से अवाम एक मसीहा के इंतज़ार में थी, और उस मसीहा को इमरान खान की शक्ल में हम सब के सामने पेश किया गया, और हम सब उस लहर में बह गए, और हमने दिलो जान से उसकी सपोर्ट की, उसके साथ खड़े हुए, हमने अपने ईमान का हिस्सा बना लिया कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है या उसकी हिफाजत कर सकता है तो वो सिर्फ एक हस्ती है, और वो है मोहतरम इमरान खान नियाज़ी। और इसी के ऊपर ये सारा अमल शुरू हुआ। अब ये एक दास्तान है जो हर बच्चे को और पाकिस्तान के हर बंदे को, बाशऊर इंसान को मालूम है। इशू कहाँ बना और ये अफरा तफरी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी? तो इसकी बुनियाद यहाँ से पड़ी कि इमरान खान साहब को जो पपड़ समझ के लेके आए थे उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने मियाँ मिठू चूरू खानी है से निकल के जवाब देने शुरू कर दिए, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उसके आगे दीवार बनना शुरू हो गए, और ये फिर नाराज़गी ज़्यादा देर चल ना सकी, और एंड अपने पुराने खिलाड़ियों को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को इक्तदार की सीढ़ियों से नीचे उतार दिया गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि वो जो लोग ISPR ने भर्ती किए थे इमरान रियाज की तरह के और सदीक जान की तरह के, मोहतूम शाहबुद्दीन की तरह, और ऐसे लातदाद करेक्टर हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं और हमें फेक न्यूज़ से हमें मुस्तफीद कर रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे, उन्होंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वो सारे लोग जो पहले उनके हुक्म पे उनकी हिलाई हुई डोर से पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करते थे और बुलंदोबाला दावे करते थे, बड़े बड़े कसीदे पढ़ते थे इमरान खान साहब के बारे में और उन्हें एक मसीहा के तौर पे पेश करते थे, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि अब ये बंदा काबिल नहीं है। और जिन लोगों को वो करप्ट कहते थे और लोगों को यकीन दिलाते थे कि ये चोर हैं, फ्रॉडिये हैं, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट लिया है, उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और यहाँ से बगावत का आगाज़ हुआ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो अभी तक जारी सारी है। बहुत से सहाफ़ी अगवा हुए, उनके घर वालों को बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तकलीफ़ों से गुजरे, और द एंड रिज़ल्ट ये है कि अभी तक ये जंग जारी है। और वो जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, जिसको मुल्कों को तबाह करने के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना था, उसने अपने ही पाकिस्तान का चेहरा बदल के रख दिया। अफरा तफरी, परेशानी, वसवसों में गिरा हुआ पाकिस्तान इस वक्त हकीकतन एक मसीहा की तलाश में है, और अभी तक उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई शख्सियत है, ना ही कोई ऐसा लीडर है कि जो उस रास्ते की तरफ उंगली पकड़ के पाकिस्तानियों को लेके जाए। इस बेयकीनी की सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए वो सारे किरदार जो उस वक्त उनके कसीदे पढ़ते थे और ज़्यादा नाउमीदी फैला रहे हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक एक करके उन किरदारों के बारे में बात करें और लोगों तक उनका असली चेहरा पहुँचाएँ, ताकि लोग जान सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के बारे में। उम्मीद है कि सादा अल्फाज में और कम वक्त में आप तक एक मालूमाती प्रोग्राम पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।